एवरी वन वेलकम बैक टू दी ऑनलाइन लेक्चर सीरीज ऑफ यूजीसी नेट कॉमर्स माई डियर स्टूडेंट दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर डूइंग द डिस्कशन ऑफ सिलेबस फॉर द कॉमर्स सब्जेक्ट देखो जो हमने पहला डिस्कशन किया हुआ है वो क्या था कि आपको अगर नेट क्वालिफाई करना है तो स्ट्रैटेजी एक स्ट्रैटेजी पकड़ के चलना पड़ेगा अगर आप स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं कर रहे हो तो वो कैसा काम होगा कि आपको एक शिप में बैठा के डाल दिया है दरिया में और उस समुद्र में आपके पास कुछ है नहीं मतलब आपके पास डायरेक्शन देखने का कुछ इंस्ट्रूमेंट है नहीं रडार है नहीं तो आप क्या करोगे आप भटक जाओगे यहाँ वहाँ इधर उधर भटकते रहोगे और पता नहीं कब आप जिंदा वापस आओ या ना आओ वो भी किसी को पता नहीं रहेगा तो अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो सबसे पहले तो आपको एक स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करनी पड़ेगी वो स्ट्रैटेजी क्या है नेट आपके पास नहीं आएगी आपको नेट के पास जाना है ठीक है तो आज हम हमारे कॉमर्स सब्जेक्ट के लिए सिलेबस डिस्कस करेंगे उस सिलेबस के बेस पे हम वन बाय वन सभी यूनिट्स को लेंगे उस यूनिट का सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे और उसमें से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे देखो जब भी आप प्रिपरेशन करते हो तो हंड्रेड परसेंट सिलेबस नहीं करना है हमें सिलेबस कितना करना है जो इंपॉर्टेंट है जो इजी है वो पहले करना है जो इंपॉर्टेंट है वो पहले करना है फिर बाद में सिलेबस के पीछे पढ़ना है देखो व्हेन यू थिंक यू कैन यू डेफिनेटली कैन क्या है आपको एक बार दिमाग बना लेना है ठीक है जैसे हिंदी मूवी में डायलॉग है ना कि अगर आप किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहोगे तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने में जुट जाएगी तो यहां पे आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड को कमांड देना है क्या कमांड देना है कि हां साल या फिर अगले साल मतलब डेडलाइन मैं ये नेट करना ही है आई विल क्लियर आई विल क्वालिफाई द नेट बिफोर दिस ईयर ठीक है ऐसे आपको फुल डेडिकेशन से वर्क करना है सो लेट्स डिस्कस दिस सिलेबस फॉर कॉमर्स सब्जेक्ट दिस इज स्टूडेंट दिस इज फॉर द स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स देखो हमने पहले डिस्कशन किया मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है और कॉमर्स वाले बहुत सारे बच्चों को दिमाग में क्या होता है कि चलो मुझे तो अकाउंटेंसी सब्जेक्ट आता है तो मैं अकाउंटेंसी का प्रोफेसर बनूंगा ऐसा कुछ नहीं होता है यहां पर मेनली आपको प्रिपरेशन करनी है वो किसके लिए करनी है कॉमर्स सब्जेक्ट के लिए सो लेट्स सी दी सिलेबस देखो यहां पर सिलेबस से पहले जो मैंने आपको बोला कि आपको एक मेंटल एटीट्यूड मेंटल बिलीफ सिस्टम तैयार करना है देखो यहाँ पे आपके पास एक बड़ा सा इमेज है दो बंदे हैं जो ड्रॉ कर रहे हैं उसमें से लेफ्ट वाला जो बंदा है उसकी जो परसेप्शन है उसका जो एटीट्यूड है कुछ देखने का वो अलग है राइट वाला बंदा है उसको कुछ अलग दिख रहा है सिचुएशन एक ही है आपके साथ भी ऐसा होगा प्रिपरेशन आप करोगे जो जिस बुक से आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसी बुक से आपके कोई फ्रेंड्स भी कर रहे होंगे जिस फैकल्टी के पास से जिस एजुकेशनल रिसोर्स से आप पढ़ाई कर रहे हो उसी एजुकेशनल रिसोर्स से उसी फैकल्टी के पास से दूसरे फ्रेंड्स भी प्रिपेयर करेंगे एक क्वालिफाई होगा दूसरा डिसक्वालीफाई होगा वो क्यों होगा इसका एकदम परफेक्ट प्रेजेंटेशन आपके सामने अभी है एक को सिर्फ विंडो दिख रही है उसमें जो हर्डल्स है वो दिख रहा है और दूसरे बंदे को मतलब उसका गोल दिख रहा है कि मुझे क्या करना है तो आपको भी आपके दिमाग को ऐसे ट्रेन करना है कि चाहे कुछ भी हो जाए कोई भी हर्डल्स आ जाए कोई भी तकलीफ आ जाए मुझे नेट क्वालिफाई करना है ठीक है तो आपको पहले एक बिलप सिस्टम आपको अपने आप पे भरोसा करना है तो उसी भरोसे के साथ हम आज का सेशन शुरू करते हैं तो हमारा जो कॉमर्स सब्जेक्ट है उसका सब्जेक्ट कोड जीरो एट टोटल मार्क्स होंगे हमारे टू हंड्रेड और फॉर टू हंड्रेड मार्क्स वी हैव हंड्रेड क्वेश्चन फॉर सिलेबस वी हैव टेन यूनिट्स हमारे पास दस यूनिट है सभी यूनिट से बीस मार्क्स मतलब कि एक यूनिट से आपके पास होंगे दस क्वेश्चन और उस दस क्वेश्चन दस प्रश्न के लिए आपको पढ़ाई करनी है see here this is your syllabus this is as per uh, website of ugc that is university grants commission business environment and international business that is unit 1 unit 2 accounting and auditing unit 3 business economics unit 4 business finance unit 5 business statistics and research methods unit 6 business management and human resource management unit 7 बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यूनिट एट मार्केटिंग मैनेजमेंट यूनिट नाइन लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस एंड यूनिट टेन दैट इज इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग तो आपको प्रिपरेशन क्या करना है दस सिर्फ दस यूनिट देखो अभी आपको लग रहा होगा कि अरे भाई वाह यहाँ पे तो सिर्फ दस चैप्टर्स ही करने हैं टेन यूनिट्स ही करने हैं पर यहाँ पे टेन यूनिट्स नहीं है टेन सब्जेक्ट्स है रिलेटेड टू कॉमर्स तो उसी टेन सब्जेक्ट्स में से आज हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है हमारा यूनिट टू अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग दिस इज फॉर ट्वेंटी मार्क्स ठीक है हम सिर्फ सिलेबस का डिस्कशन करेंगे कि इसमें ये सिलेबस है उसमें से ये आपका इंपॉर्टेंट है उस पर आपको पहले फोकस करना है उसमें से जो हमने पहले डिस्कशन किया हुआ है कि ये जो आपको पहले आता है वो परफेक्ट करना है और जो नहीं आता है उसको बाद में छोड़ देना है ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं उसका रिवर्स फॉलो करते जो आता है उसको छोड़ देते जो नहीं आता है उसको पहले पकड़ लेते हैं यहां पे ऐसा करना नहीं है जो आपको आता है उसको स्ट्रॉन्ग करना है जो नहीं आ रहा है उसको बाद में एक बार रिपीट करना है ठीक है सो लेट्स डू सिलेबस ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग हियर इज योर सिलेबस इट इज एज पर यूजीसी वेबसाइट सी हियर बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पार्टनरशिप अकाउंट्स कॉर्पोरेट अकाउंटिंग होल्डिंग कंपनीज अकाउंट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग इन्फ्लेशन अकाउंटिंग एंड एनवायरमेंटल अकाउंटिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग मतलब अगर आप सिलेबस को देखोगे तो ये जो सिलेबस है बहुत ही वाइड सिलेबस है और इसको अगर आप थोड़ा स्टडी करोगे तो ये सिलेबस को स्टडी करने के बाद आप पाँच छः पार्ट में डिवाइड कर सकते हो और वो पांच छह पार्ट कौन से हैं देखो यहां पे फर्स्ट होगा हमारा बेसिक फाइनेंशियल अकाउंटिंग दूसरा होगा हमारा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग जहां से आपके एक या दो क्वेश्चन रहेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग टू क्वेश्चन मैनेजमेंट अकाउंटिंग टू क्वेश्चन कंटेम्प्रेरी इश्यूज इन अकाउंटिंग दैट इज मॉडर्न कंसेप्ट एंड ऑडिटिंग ऑडिटिंग के आपके पास दो या तीन क्वेश्चन रहेंगे सो फॉर टोटल 20 मार्क्स यू हैव टू प्रिपेयर फॉर सेवन डिफरेंट सब्जेक्ट ये एक यूनिट है एक यूनिट के हमने अलग अलग सब्जेक्ट आइडेंटिफाई किए ठीक है सो लेट्स स्टार्ट विथ वन बाय वन फर्स्ट इज बेजिक फाइनेंशियल अकाउंटिंग सो इन बेजिक फाइनेंशियल अकाउंटिंग वी हैव टू रीड अकाउंटिंग कंसेप्ट टर्मिनोलॉजी ऑफ रिलेटेड टू अकाउंटिंग पार्टनरशिप अकाउंट्स Theory बेज ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म with प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. तो ये आपका बेसिक अकाउंटिंग है यहां से आपका जो क्वेश्चन रहेगा नेट के लिए जो एग्जामिनेशन में मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन रहेगा आपका गेनिंग एंड सैक्रीफाइसिंग रेशियो और रहेगा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ ऑफ रिटायरमेंट एंड एडमिशन पार्टनर जब आप टर्मिनोलॉजी की बात करोगे तो वहां पे आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसिप्ट कैपिटल रिसिप्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आपको करने हैं तो ये हो गया हमारा बेसिक अकाउंटिंग इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है एक तो अकाउंटिंग कंसेप्ट हैं और दूसरा

लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज यहां पे आपके पास कभी कभार क्वेश्चन आते हैं टाइप्स ऑफ शेयर्स या फिर टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल से तो आपको वो भी डिटेल में जाना है लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज इसमें आपको मेजर प्रोविजंस करने हैं कंपनीज एक्ट के एक्विजिशन मर्जर एंड कंपनी रिकंस्ट्रक्शन तो यहां पर दो तरह के रिकंस्ट्रक्शन होंगे एक्सटर्नल एंड इंटरनल अकाउंटिंग ऑफ होल्डिंग कंपनीज एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अभी देखो यहां पर जो क्वेश्चन रहेगा वो कहां से आने वाले हैं आपका एक जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा फॉर्म्स ऑफ शेयर कैपिटल मतलब इश्यू फॉर फॉरफीचर फॉर ऑफ शेयर्स क्या है शेयर कैपिटल ट्रांजेक्शन आपका एक चैप्टर chapter आता था उसमें था ये कंसेप्ट ठीक है मेजर प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट होल्डिंग कंपनीज अभी होल्डिंग कंपनी में आपको कैसे क्वेश्चन आएगा कि ए बी जो है वो होल्डिंग है एक्स वाई की और एक्स वाई जो है वो सब्सिडरी है ए बी की तो यहां पे रिलेशनशिप आपको ढूंढना पड़ेगा इसमें से सब्सिडरी कौन है और होल्डिंग कंपनी कौन है ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं फिर आपके पास रहेगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो आपको याद रखना है टोटल फुल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो ये हो गया हमारा कॉरपोरेट अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग देखो ये बहुत ही लंबा है

और कंटेम्प्ररी इश्यूज मतलब मॉडर्न अकाउ कॉस्टिंग कॉन्सेप्ट अगर आप अपने ग्रेजुएशन में देखोगे तो ये एक एक चैप्टर पंद्रह बीस मार्क्स का होगा यहां पे आपके सभी चैप्टर्स दो या चार मार्क्स के रहेंगे तो आपको बहुत ही डिटेल में पढ़ाई करनी है आप यहां से समझ सकते हो कि आप जो प्रिपरेशन कर रहे हो वो एग्जामिनेशन कितनी टफ है तो कॉस्ट अकाउंटिंग में आपको करना है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग दैट इज वेरास एनालिसिस एंड मोस्ट प्रोबेबली मार्जिनल कॉस्टिंग In that, you have to focus on break-even point and margin of safety concepts. So, this is third cost accounting. Fourth, we have management accounting. Here, you have to learn for basic management accounting theory part, its importance, principles, advantages. Then, you have to focus on ratio analysis, fund flow, and cash flow. अभी आपका एक क्वेश्चन रेशियो से रहेगा कंपलसरी क्वेश्चन रेशियो एनालिसिस में से रहेगा रिवर्स क्वेश्चन रहेगा रेशियो दिया हुआ होगा और आपको कंपोनेंट के अमाउंट ढूंढनी है ठीक है तो ये हो गया आपका रेशियो एनालिसिस फंड्स फ्लो एंड कैश फ्लो अभी देखो जब फंड फ्लो का क्वेश्चन रहेगा तो कैश फ्लो नहीं रहेगा कैश फ्लो होगा तो फंड फ्लो नहीं मतलब दोनों में से कोई भी एक का एक क्वेश्चन आपके पास आने वाला है तो ये हो गया हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग मूव टू कंटेम्प्ररी इश्यूज़ इन अकाउंटिंग ये है मॉडर्न कंसेप्ट इन दैट यू हैव टू फोकस ऑन ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग इन्फ्लेशन अकाउंटिंग एनवायरमेंट अकाउंटिंग एंड रिस्पांसिबिलिटी अकाउंटिंग यहां पे आपको ध्यान रखना है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के उसके जो अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स है प्रॉफिट सेंटर है कॉस्ट सेंटर है रेवेन्यू सेंटर्स है तो उस जो भी सेंटर्स है रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स उसके इंटर रिलेशनशिप आपको ढूंढना है फिर आपको फोकस करना है अकाउंटिंग फॉर इन्फ्लेशन ठीक है ये हो गया हमारा कंटेम्प्रेरी और सब उसके बाद में आएगा ऑडिटिंग देखो ये पूरा बहुत ही वाइड सब्जेक्ट है ऑडिटिंग ये थर्ड ईयर बी कॉम में होता है नॉर्मली तो यहाँ पे आपको क्या करना है टाइप्स ऑफ ऑडिट ऑडिट नोट ऑडिट रिपोर्ट

ठीक है तो ये हो गया आपका ऑडिटिंग यहां पे आपको फोकस किस पे करना है क्वालिफिकेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड वेरिफिकेशन एंड वाउचिंग ऑफ एंड लाइबिलिटीज देखो आज हम क्या कर रहे हैं हम सिर्फ सिलेबस का डिस्कशन कर रहे हैं ये आपका सिर्फ सिलेबस है हमने कंटेंट स्टार्ट नहीं किया है दिस इज सिंपली सिलेबस सिलेबस को हम क्या कर रहे हैं सिलेबस की पढ़ाई कर रहे हैं सिलेबस की पढ़ाई करेंगे करने से क्या होगा हमें पता चलेगा कि हमें यह कंटेंट पढ़ना है यह कंटेंट नहीं पढ़ना है हो गया तो यह हो गया आपका सिलेबस ऑफ यूनिट टू फॉर यूजीसी नेट फॉर कॉमर्स सब्जेक्ट एंड द यूनिट नेम इज अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग लुक एट हियर हियर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर नेट From accounting and auditing subject, that is unit 2. You have to focus on accounting concepts, conventions, and principles. Treatment of goodwill in case of admission and retirement of partner. Next is calculation of gaining and sacrificing ratio. Issue and forfeiture of shares. Companies Act 2013 provisions for liquidation. Holding companies' accounts. Accounting standard and international financial reporting standards. मार्जिनल कॉस्टिंग दैट इज ब्रेक इंगालसिसिस कैश फ्लो फंड फ्लो एंड रेशियो एनालिसिस ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग ड्यूटीज क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर वेरिफिकेशन एंड वाचिंग यहां पर आपको सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स को रीड uh, करना है एंड ऑडिट प्रोग्राम ऑडिट रिपोर्ट तो ये हो गया आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर नेट अब जब भी आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो आपको ये जो अभी आपके स्क्रीन पर दिख रहा है ये क्या है इंपॉर्टेंट है पहले इसको करना है फिर जो भी पॉइंट्स बचते हैं जो भी टॉपिक्स रह जाते हैं उसको बाद में प्रिपरेशन करना है सो विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर यूजीसी नेट एग्जाम एक बेलफ सिस्टम आपको बनाना है क्या यस आई कैन यस आई कैन यस आई कैन सो टिल दैट थैंक यू वेरी मच हैव अ गुड डे टेक केयर स्टे एट होम स्टे सेफ जय हिंद जय भारत